देखो, लड़के लॉयल है या नहीं ये जानना इतना भी डिफिकल्ट नहीं, लेकिन अक्सर प्यार में पड़े हुए लोग और प्यार में जो अंधा विश्वास करते हैं ना, जो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, अक्सर ऐसे ही लोग धोखा खाते हैं। देखो, मैं नहीं कह रही हूँ कि जासूसी करो उसके, लेकिन हाँ, अगर लड़की लॉयल नहीं तो टिकेगी नहीं। तुम तो उसे कुछ भी दे दो, तुम तो अपनी जान तक देने के लिए रेडी हो जाओ, बट अगर वो लॉयल्टी की गारंटी नहीं देती ना, उसके बिहेवियर में तुम्हें लॉयल्टी नहीं दिखती, तो नहीं टिकेगी यार, कुछ भी कर लो। तो कैसे पता करें कि लड़की लॉयल है या नहीं, मैं बताऊंगी ना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हूँ आपकी दोस्त और लव होस्ट आरोही, जो आपकी सारी लव लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो मुझसे अभी के अभी जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो। देखो, किसी की लॉयल्टी चेक करनी हो ना, स्पेशली लड़कियों की, तो उसकी बिहेवियर से चेक हो जाती है, क्योंकि लड़कियां जो है ना काफी एक्सप्रेसिव होती है किन चीजों में, अपने गुस्से के और जिसे वो नापसंद करती है। अगर जिन चीजों को वो पसंद नहीं करती उस पे डायरेक्टली वो हेट नहीं करेगी, बट हाँ, उसके तरफ उसका जो इशारा है, यानी उसकी जो फीलिंग्स है, वो उसके एक्शन में दिखती है, उसके बिहेवियर में दिखने लगती है। तो जिन चीजों को वो नहीं पसंद करती है उसके रिगार्डिंग वो मुंह फुलाती है, ठीक है, गुस्सा हो जाती है, तो वो बात करना बंद कर देती है। बट लड़कों के साथ ऐसा नहीं है, लड़के जो है ना उतना जल्दी किसी चीज को दिल पे नहीं लेते और अपने मन में भी नहीं रखते, एक्सप्रेस नहीं करते। तो बात ये है कि लड़कियों के बिहेवियर से पता चल जाएगा कि वो लॉयल है या नहीं, तो सबसे पहले उसके बिहेवियर को चेक करो। अक्सर तुम्हें डाउट होता होगा ना कि शायद वो मुझे छोड़कर किसी और से बात कर रही है, और तुमने शायद कभी उस चीजों के बारे में पूछा भी होगा, कभी तुम्हें लगा होगा कि किसी और बंदे के तरफ इसका अट्रैक्शन और इसका लगाव ज्यादा हो रहा है, बट तुमने इग्नोर किया होगा कि जस्ट वो, उसने कहा है कि वो तो मेरे लिए लॉयल है तो वो उसका दोस्त होगा। क्या ही फर्क पड़ता है, डाउट और इग्नोरेंस ये दोनों चीजें आप कर देते हो, ये बिल्कुल नहीं करना। अक्सर जो चीजें आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके करते हो ना, लड़कियां वही धोखा देती है, क्योंकि वो जान जाती है और वो ये गेम खेलती हैं कि कई बार वो रो देगी, रोती है किस तरीके से कि देखो तुमने मेरे पे शक किया, उस चीज को इतना बड़ा करेगी, इशू बनाएगी, जैसे तुम डर जाते हो और नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं करते। तो अगर तुम्हें भी ये सारी चीजें लगती है तो प्लीज इसे इग्नोर नहीं करना, उसे पकड़ो। अब पकड़ने का तरीका क्या है कि कैसे पकड़े कि वो लॉयल है या नहीं। नंबर 1 बिहेवियर उसका है कि वो ओपन बुक की तरह होगी, जिसके साथ रहना है, जिसके साथ इमोशंस जुड़े हैं, उसे कुछ छुपाया नहीं जाता। जिसके लिए आप लाइफ टाइम लॉयल रहना चाहते हो, आपने इनफैक्ट उसके साथ फिजिकल भी हो रखा, आपने अपना शरीर खोल दिया, तो आपने अपना मन क्यों नहीं खोला। तो अगर लड़की तुम्हारे साथ अपने मन की सारी बातें करती है, उसका लाइफ लाइक अ ओपन बुक है, वो तुमसे सब कुछ शेयर करती है, तो वो लड़की तुम्हारे लिए लॉयल है। नंबर 2 है कि वो टाइम पास करती है या फिर सच्चा प्यार करती है। देखो, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती है ना, तो वो प्रॉपर तुम्हें टाइम देगी, और अगर टाइम पास है तो जब मन हुआ तब आई, जब मन हुआ तब बात किया, जब मन हुआ तब नहीं बात की, तुम्हारे इमोशंस की उतनी ज्यादा उसको कदर नहीं होगी, वो तुम्हारी तरफ डेडिकेशन नहीं दिखाएगी। वहीं अगर सच्चा प्यार करती है तो वो छोटी बड़ी बातें सब कुछ जानना चाहेगी, तुम्हें समय निकाल के देगी, और चाहे उसके पास समय हो या ना हो, कितने भी बिजी हो, तुम्हारी वो ख्याल, तुम्हारा ख्याल हमेशा करेगी। तो इससे पता चलता है कि वो लड़की लॉयल है। नंबर 3 है इमोशंस की वैल्यू करना। देखो, तुम्हें जो चीजें पसंद है वो वही चीजें करेंगे। अगर तुम्हें कोई चीज हर्ट करती है लेकिन उसे बहुत प्यारी है वो चीज, लाइक उसका फ्रेंड है, लेकिन वो प्रायोरिटी तुम्हें देगी, वो कहेगी कि जब तुम्हें ये चीजें हर्ट करती है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती अपने रिश्ते के साथ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है होगा, बट तुम्हें नहीं पसंद तो मैं उससे ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहूंगी। लॉयल्टी की यही निशानी होती है कि वो रिश्ते को प्रायोरिटी देती है। ऐसा नहीं कि वो किसी प्रेशर में कि तुम उसे छोड़ दो तुम्हारे कहने पे, नहीं, वो चाहती है कि मैं रिस्क नहीं लूंगी अपने इतने प्यारे रिश्ते के साथ, मैं किसी तरीके से गलत फहमी या कोई डाउट क्रिएट नहीं करूंगी अपने रिलेशन में, यानी कि वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे इमोशंस और वैल्यूज को लेकर सच में लॉयल है, और यही है उसकी लॉयल्टी की निशानी। नंबर 4 कमिटेड है, तो वो ज्यादा खुद को इंगेज नहीं दिखाएगी, लड़कों से उतना ज्यादा इंगेज नहीं रखना, ठीक है, वर्क प्लेस पे है, काम करती है तो ओके, वो उतना ही कनेक्टेड रहेगी जितना जरूरी है, हद से ज्यादा अपनी पर्सनल चीजें या फिर खुद को सिंगल शो नहीं करना, वो इशारे नहीं देना कि हाँ मैं सिंगल हूँ, अप्रोच करने का किसी को मौका नहीं देती। अगर
अक्सर यही निशानी होती है कि जब वो भीड़ में भी हो फिर भी तुम्हारे लिए लॉयल है ना, जब उसके पास तुमसे बेहतर ऑप्शन हो फिर भी वो तुम पे है, तुम्हारे साथ है, यानी कि यही उसकी लॉयल्टी की निशानी है। लॉयल्टी चेक करना है तो भीड़ में करना, लॉयल्टी चेक करना है तो उस समय करना जब तुमसे बेहतर ऑप्शन उसके पास हो फिर भी उसे छोड़ कर तुम्हारे पास आएगी, यानी वो लड़की हमेशा तुम्हारा साथ निभाएगी। नेक्स्ट है फ्यूचर प्लानिंग करना। अब जिसके साथ रहना है उसके साथ सारे सपने तो सजाएगी ना, लड़कियां सपने सजाती है उसी के साथ जिसके साथ वो रहना चाहती है, जिससे लॉयल्टी है, जिसे सच्चा प्यार है। अदरवाइज वो कोई भी फ्यूचर प्लानिंग तुम्हारे साथ नहीं करेगी, ना ही शेयर करेगी और ना ही तुमसे कभी पूछेगी इनफैक्ट मैरिज के बारे में भी। तुम अगर उसे शादी के लिए पूछोगे तो वो डिनाई करेगी किसी न किसी करियर का बहाना देकर, लेकिन अगर वो प्यार करती है तो ये सारी चीजें नहीं करेगी, वो फ्यूचर की प्लानिंग तुम्हारे साथ प्रॉपर करेगी, सारी मुश्किलों में तुम्हारा साथ भी देगी। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपैरिजन न करना। देखो अगर वो अभी भी प्यार में पेंडुलम बनी हुई है, उसे अपनी चॉइसेस पे टिक के नहीं रहना, उसे अभी भी कोई अच्छा चाहिए, इट मीन्स कि उसे तुम नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, वो किसी और चीज़ के तलाश में है, वो लॉयल नहीं रहेगी। चाहे तुम उससे शादी कर लो, कोई भी बंधन बांध लो, वो निकल के जाएगी, आज न कल तुम्हें धोखा देगी ही देगी। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचकर रहे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पार्टनर में ये सारी चीज़ें हैं तो डे बाय डे उसे डिटैचमेंट करना शुरू कीजिए और उसे बांधिए नहीं, उसे जाने दीजिए, क्योंकि अगर वो खुद से जाती है तो रिग्रेट तुम्हें नहीं रहेगा, और तुम उसे कितना बांधने की कोशिश करोगे वो नहीं रहेगी और फिर बहुत सारे झगड़े होंगे। सो अगर आपको भी सारी बातें सही लगी और आपको टच हुई मेरी बातें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना और लाइक करना वीडियो को। थैंक यू।